जी पता लग रहा है यार, तुम क्लास 11th में आ गए हो। अच्छा क्या, चलो तुमको एक रात की बात बताता हूँ जिससे तुम्हारा हो सकता है 11th सुधर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं 11th बर्बाद हो गई मेरी। अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो तुम कहोगे वाह क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, कैसा पढ़ा रहे हैं जी, क्या है ये, बहुत कठिन है। चाहे तुमने खुद लिया हो मैथ, या फिर किसी ने फोर्स किया हो, या किसी से इन्फ्लुएंस हुए हो, IIT जाना हो, NIT जाना हो, या फिर कहीं नहीं जाना हो, ऐसे धोखे में ले लिया हो, बायोलॉजी से डर लगता हो। अब सोच रहे हो कि JEE की तैयारी कर लें, तो चलिए कुछ बताते हैं आपको। चलिए स्टे ट्यून्ड रहिए, 11th बर्बाद होने से बचाइए अपनी, एक साल और, नहीं तो 11th बर्बाद होगी तो दिक्कत होगा, 12th भी बर्बाद हो जाएगी, फिर एक साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब चांस भी कम रहते हैं यार IIT जाने में। अब कोशिश करो यार कि IIT में जाओ, क्योंकि IIT होती है यार। मैं तो नहीं जा पाया, तुम लोग जाओ यार, है ना। मैं क्यों नहीं जा पाया उसकी अलग स्टोरी है, पर तुम लोग जाओ यार। अभी तो मैं NIT इलाहाबाद में पढ़ रहा हूँ। तो चलिए कुछ बताता हूँ आपको, एक्सपीरियंस है थोड़ा, ले लीजिए एक्सपीरियंस। आपने क्लास 10 पार कर ली है, जो भी रिजल्ट आया जैसा भी नो प्रॉब्लम सर, आप 11th में हैं, 11th इज वन ऑफ द टफेस्ट क्लास। यहाँ पे अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है जीवन में, क्या नहीं चल रहा है, तो कुछ समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। आप पहले तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेना है, अब तो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, क्लास 10 पास करके आ गए हैं। चाहे आपने खुद का डिसीजन लिया हो या किसी से इन्फ्लुएंस होकर लिया हो, वो अलग प्रॉब्लम है, बट आप अब मैथ ले चुके हैं, तो JEE की तैयारी में जुट जाए सर। अगर मैथ लिए हैं और सोच रहे हैं कि IIT में जाना है या NIT में जाना है, तो JEE की तैयारी कर दीजिए भाई स्टार्ट। बाद में ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि हाँ मैंने 11th सही से नहीं किया था, 12th सही से नहीं किया था, इसलिए मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, या इसलिए मैं IIT नहीं जा पाया। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप एक आज एक पेन लेना, कॉपी लेना और लिखना कि आप आज से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप ये बात भी नहीं कहेंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने मतलब वो कि 11th 12th में पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये कहना नहीं पड़े आपको। इसलिए आप एक कॉपी लीजिए, या फिर आप नहीं कॉपी छोड़िए, वीडियो बना सकते हैं आप, वीडियो बनाइए आप कि आज से मैं जो भी हूँ, अभी नहीं, जब से भी आप तैयारी करें सीरियस होकर कि हाँ मैं मतलब 2 साल में सीरियस होकर तैयारी करूँगा। वीडियो स्ट्रेटजी आप बहुत देखेंगे, बिलीव मी, आप अभी मुझे देख रहे हैं, संकल्प भैया को देखेंगे और निशांत जिंदल, और भी लोग, तब तक और भी लोग आ जाएंगे नए नए फील्ड में, तो उनको भी देखेंगे आप। 11th स्टार्टिंग आपकी कहीं और से होगी, फिर आप कहीं और पहुंच जाएंगे, फिर कहीं पता नहीं कहाँ, तो वो है कि आप, लेकिन आपका जो वो रहेगा कि टाइम वो लिमिटेड है कि कहाँ पे आपको वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और बचा हुआ समय जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रील्स वगैरह ये सब देखेंगे आप, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाया जाए कि हमारे हिसाब से प्रेफर्टेबल हो। जो स्कूल जाते हैं स्कूल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल पे ज़्यादा फोकस करना है नहीं आपको, वो अलग डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कैसा है। अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए आप, और अगर JEE का ओरिएंटेड कुछ पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो आप ऑनलाइन बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, ठीक है। और अगर JEE का कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे ही बोर्ड का सिर्फ पढ़ाते हैं या पढ़ाते भी नहीं हैं, तो आप एक कोई सा भी कोर्स ले लीजिएगा जिससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और बिलीव मी सीरियस कोर्स लीजिए आप, सीरियस रहिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सस्ता मस्ता ले लिया, यूट्यूब से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सबका सिलेक्शन हो जाता है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन, दैट्स ऑल। एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है, थ्योरी के बाद कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि अभी मैथ को छोड़ के बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आसान टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैथ में भी इतना हुआ नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन लेंथी और हार्डी आते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मैथ में अच्छी से पकड़ करने के लिए आप सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चन लगाएंगे, NCERT लगाएंगे, ठीक है। NCERT लगाने के बाद आप JEE मेंस पे स्विच करेंगे, उसमें ही आपको बोर्ड का भी रखना है, बोर्ड मतलब 11th में तो है नहीं, तो फिर स्कूल का भी लेके चलना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं करना है आपको कि जो स्कूल वाले होते हैं वो आपके पेरेंट्स को बुला लें कि सर आपका बच्चा पढ़ता नहीं, सर क्या कर रहे हैं आप, सर आपका बच्चा नहीं पढ़ता जी, तो ऐसा मत कीजिएगा। बाकी तो ठीक ही है, 11th पे आए हैं आप, इंजॉय कीजिए पढ़ाई को, अच्छा नहीं लगेगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब दिन लगेगा क्या है ये, लेकिन एकदम आपके अंदर
जो जोश है वो कूट कूट के भरा है और आप आईआईटी जाने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं, तो उसी जोश को लेक्चर देखिए। सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जेई मेंस की पीवाईक्यू उठाइए, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस की तरफ मूव करिए। और एडवांस की अगर रिसेंट ईयर के हो जाए तो आप पिछले ईयर के आईआईटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कीजिए। मींस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आपके पूरे 11th क्लास में सिर्फ 5 ही चैप्टर हों, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, 5, 5, 5, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग यार पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं, कभी उनका सिलेबस ही नहीं हो पाता। और पता क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, पास आओ थोड़ा, पता क्या होता है, वो यार सिलेबस कंप्लीट करते 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 रहते हैं, क्वेश्चन वोशन करते नहीं हैं। और जो जो उनकी कोचिंग में कोई भी बैच ले लेते हैं, जैसे कि अर्जुना जी हो गया या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट से या फिर यूट्यूब से, तो वो उसमें मास्टर साहब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ कहानियाँ भी सुनाते हैं, तो वो मास्टर साहब कहते हैं ओपी 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 मास्टर साहब, और कहानियाँ सुनते रहते हैं, इसलिए लास्ट में आके कुछ नहीं कि अरे साहब मेरा 11th बर्बाद हो गया जी, अब के 12th के से मैं लक्ष्य यही लूँगा, वहाँ से पढ़ाई करूँगा एकदम बढ़िया से, वहाँ पे फिर स्टार्टिंग में बढ़िया पढ़ाई करने के बाद 300 में 200 नंबर आते हैं मॉक टेस्ट में वगैरह वगैरह, उसके फिर धीमे धीमे आके फिर गड़बड़ा जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। बाकी तो मार्क्स आप फोकस करो, साथ ही अपने जे मेंस अपना थोड़ा ध्यान रखो, क्या चल रहा है प्रिपरेशन, क्या नहीं चल रही है। और चिलकोल ये कुछ होते हैं यूट्यूब पे, मैं भी हो सकता हूँ आपके लिए, उनसे थोड़ा बच के रहना है ना, कुछ ज़्यादा ही वीडियो डालते रहते हैं, एक दिन में दो डाल रहे हैं, डालने तो उनका काम है यार डालना, मेरा भी काम है यार डालना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप चिलकोजा यार, दिल से बुरा लगता है, कोई बात नहीं। तो वीडियो उनका काम है वीडियो डालना, तुम्हारा काम है नहीं है देखना, और कंट्रोवर्सी नहीं पड़ना यार, प्लीज़ मैं इस बात पर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कंट्रोवर्सी से दूर रहो बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है यार। तो मैं कितने भी मार्ट साहब तुम्हारे लड़ें भिड़ें कुछ भी करें, लेकिन तुम्हें कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, कंट्रोवर्सी मतलब निपटा को मैं समझाता हूँ। अभी जैसे तुम पढ़ रहे हो मार्ट साहब से, वो क्या होंगे अभी एक साल बाद कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद फिर क्या होगा, तुम कहोगे मार्ट साहब कहाँ चले गए, अरे मार्ट साहब ये तो बहुत गलत हुआ मार्ट साहब, तो उसके लिए तुम जाओगे कमेंटबाजी करोगे, दूसरे जहाँ दूसरों को गालियाँ दोगे और दूसरे तुम्हें गालियाँ देंगे, ऐसे करके पूरा सिस्टम चलता रहेगा, मार्क्स साहब आते रहेंगे जाते रहेंगे, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्या बन रहा है कॉन्सेप्ट, क्या नहीं बन रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है ना। तो यही है कंट्रोवर्सी, अभी देखना आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ की टीचर, क्या होता है कि हर जगह थोड़ा वो होता है, पॉलिटिक्स का भी होता है कि इनकी ज़्यादा चलती है इनकी नहीं चलती है, या फिर पैसे का भी होता है, सभी को ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में स्विच करता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल वर्क में ऐसा होता है। बट आप लोग क्या है थोड़ा इमेच्योर हो, अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हो, हाँ अभी 10th पास किए हैं तो आप गालियाँ मत दो, ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए, तो वो मार साहब से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, तो वो कहते हैं अरे इन्हें धोखा दे दिया मेरे फाउंडर साहब को धोखा दे दिया, ये सर बहुत अच्छे हैं, ये ऐसा ऐसा, तो वो सब रहेगा आपको, आपको मार साहब से नहीं, मार साहब जो पढ़ा रहे हैं उससे फोकस करना है। और मार साहब की असली रिस्पेक्ट कब होगी, जब तुम जो पढ़ाया है मार साहब ने उसको तुम सही से क्लियर करोगे ना, सही से पढ़ के और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें जो जब एंड एग्ज़ाम होगा उसमें तुम सही से परफॉर्म करके आओगे, तभी मार्क्स साहब की इज्जत होगी, वरना इज्जत नहीं कर रहे मार्क्स साहब की, कह रहे हो मार्क्स साहब चले गए दूसरी जगह, मेरा ये हो गया वो हो गया, तो कुछ नहीं हो गया, ख़राब हो गया तुम सब कुछ है। वैसे अभी चलो स्टार्टिंग है, देखेंगे और वीडियो टू बनानी होगी तो बनाएंगे तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अपने ही आदमी हैं, वैसे कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो कोई झिझक बेझिझक नहीं। और ये जो कमेंट में पूछ लेना जो भी समस्या हो तुमको, व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ओके बाय बाय।